गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा चल रहा था एसएसटी। एसएसटी में सेकंड नंबर का जो लेसन था उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों को हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में बताया, जो कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के सम्राट और मेवाड़ के जो आधिपत्य स्थापकर्ता कह सकते हो या मेवाड़ के संस्थापक कह सकते हो उनके बीच, और साथ में ही अकबर के जो प्रधान सेनापति थे मानसिंह, उनके बीच में ये प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जो युद्ध था वो लड़ा गया था। अब आप लोगों को ये भी बताया गया कि 1597 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, दरअसल वो अपने धनुष की जो प्रत्यंचा थी, डोरी थी, उसको कस रहे थे। उसी समय उस वह डोरी छिटक करके उनको गंभीर घाव उस डोरी ने दिया और उसी के कारण से महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। अब इस घटना के बाद जो कहा जाता है कि अकबर की दिली ख्वाहिश थी, अकबर चाहता था दिल से कि वह अपने जीवन काल में एक बार जो महाराणा प्रताप है उसको अपने दरबार के अंदर युद्ध बंदी के रूप में देखे या साक्षात उसके दर्शन करे। लेकिन यह अकबर की बदकिस्मती रही कि वह कभी भी इस राजस्थान के महान सपूत के जीवित रहते उनका दर्शन नहीं कर पाए। तो ये बात इसी घटना से रिलेटेड, यानी कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई उसके बाद में महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से महाराणा प्रताप की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, इसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहे हैं। तो देखें, व्हेन द न्यूज ऑफ प्रताप्स डेथ रीच्ड द अकबर। अब महाराणा प्रताप की जब 1597 के भीतर मृत्यु हो गई, धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते समय या धनुष की डोरी को खींचते समय जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद बांडोली नामक जगह पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया और वहीं पर ही 8 खंभों वाली एक छतरी का निर्माण किया, जो कि इस महान मेवाड़ के सम्राट की याद आज भी हमें दिलाते हैं, जो कि राजस्थान के एक महान सच्चे राजपूत योद्धा थे। तो यहाँ कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचा तो ही टू बिकेम सैड, तो वह भी काफी दुखी हुआ। तो अकबर खुश होना चाहिए था अपने दुश्मन की मृत्यु पर, लेकिन वह बड़ा दुखी हुआ। दुखी होने के पीछे उसका रीजन ये था कि वह एक बार देखना चाहता था महाराणा प्रताप को, ये पता लगाना चाहता था कि ऐसा कौन सा मेवाड़ का शासक पैदा हो गया जिसने कि अकबर जैसे महान सम्राट की विशाल मुगल सेना को टक्कर देने की इतनी भारी जरूरत की थी, और हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह जैसे महान जो आमेर के शासक थे उसको भी हरा दिया था। तो ये चीज देखने की वजह से, यानी कि अकबर की जो दिली ख्वाहिश थी वो मन की मन में ही रह गई। वो चाहते थे कि अकबर जो चाहता था वो ये चाहता था कि महाराणा प्रताप के एक बार साक्षात दर्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसी कारण से वो बड़ा दुखी हुआ महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाने के पश्चात। अब आगे क्या होता है कि उन्होंने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर जो दुख व्यक्त करा, तो उसका वर्णन अपने हमें कहां देखने को मिलता है, तो देखते हैं कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिचुएशन, कि इस स्थिति का वर्णन, डिस्क्रिप्शन का तो था विवरण और सिचुएशन मतलब स्थिति, कि इस स्थिति का वर्णन, कौन सी स्थिति का, कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने शोक व्यक्त करा तो क्या स्थिति थी उनकी, तो इस स्थिति का वर्णन वाज इंटरप्रेटेड बाय दुर्सा आढा। इंटरप्रेटेड का तो था अनुवाद किया गया है, वर्णन किया गया है बाय दुर्सा आढा नामक कवि के द्वारा, जो कि राजस्थान निवासी थे और प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट, साथ में ही अकबर के दरबार में मौजूद भी थे। तो उन्होंने अपने काव्य में ये वर्णन किया है अकबर की उस स्थिति का, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो अकबर ने कैसे अपने दुख को व्यक्त किया, कैसे महाराणा प्रताप की मृत्यु पर खूब खेद जताया, तो उसी स्थिति का वर्णन करते हुए दुर्सा आढा ने अपने काव्य में कहा है क्या कि महाराणा प्रताप के, हे महाराणा प्रताप, ऑन योर डेथ द एम्परर प्रेस्ड हिज टंग इन बिटवीन हिज टीथ, के हे महाराणा प्रताप या हे मेवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी, के आपकी मृत्यु पर भारत के जो मुगल सम्राट थे अकबर, उन्होंने भी अपनी दांतों के बीच में अपनी जीभ को दबा लिया, यानी
आगे cried severely became neither did you sacrifice and cried severely और बड़े गंभीर रूप से बड़े जोर से चिल्लाए आगे became neither did you sacrifice your horse nor did you bow your turban in front of anyone और कहा जाता है कि became neither did you sacrifice your horse कि ना केवल आपने अपने सबसे प्रिय घोड़े को बलिदान कर दिया जिसका नाम कि चेतक था कि आपने ना केवल अपने सबसे प्रिय घोड़े का बलिदान किया और nor did you bow your turban in front of anyone कि ना तो आपके घोड़े ने समर्पण किया किसी मुगल सम्राट के सामने और ना ही आपने किसी के सामने जो मेवाड़ की इज्जत थी मान था सम्मान था और ना ही आपने अपनी इज्जत पगड़ी को किसी के सामने झुकाया Really you are the winner by all means तो इस स्थिति को देखते हुए आप सभी प्रकार से या इस युद्ध के अंदर सभी तरह से विजयी हुए यानी कि यहाँ महाराणा प्रताप ने बताया कि ना तो आपके घोड़े ने किसी के सामने समर्पण किया ना आपने किसी के सामने अपने सिर को झुकाया मेवाड़ की पगड़ी को मेवाड़ के मान सम्मान को कम होने दिया उसका आदर को कम होने दिया तो इसलिए सच्चे अर्थ में यदि देखा जाए तो आप ही वास्तव में इस हल्दीघाटी के युद्ध में विजय हुए और महान सम्राट अकबर जैसा जो महान योद्धा है वह आपके इस महान बलिदान को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होता है और साथ में अपनी हार भी स्वीकार करता है तो अकबर के इस प्रकार के कुछ कथन थे जो कि दुर्सा आढ़ा ने इस स्थिति को देख करके अपने काव्य में वर्णित किए थे अब हम आगे देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के जो कर्नल जेम्स टोड थे कहा जाता है कि ये विदेशी एक यात्री थे जो कि भारत के भीतर अनेक राज्यों में घूम घूम करके भारतीय इतिहास को राज विशेष रूप से राजपूतों के इतिहास को अपने काव्य में रच रहे थे काव्य लिख रहे थे तो राजपूतों के अनेक शाखाओं का इन्होंने वर्णन किया अपने ग्रंथ के भीतर तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कर्नल जेम्स टोड थे तो ये घोड़े पे बैठ बैठ करके और एक जगह से दूसरे स्थान पर यात्रा कर करके कई विशेष जो राजपूतों थे उनकी जानकारी इन्होंने इकट्ठा की थी इसलिए घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता था तो कर्नल जेम्स टोड आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कुछ विशेष बातें बता दूं मैं आपको कि राजस्थान को जो अपनी किताब थी इनकी एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ वेस्टर्न राजपूत राजस्थान के नाम से जो इनकी एक बुक थी जिसमें पहली बार इन्होंने हमारे राजस्थान राज्य को राजस्थान के नाम से संबोधित किया था तो ये कर्नल जेम्स टोड ने किया था और 1829 ईस्वी में इन्होंने पहली बार राजपूत राजपूताना को राजस्थान नाम दिया था अब हम बात करते हैं कि राजपूताना नाम जो दिया गया था राजस्थान के क्षेत्र को क्योंकि पहले से राजस्थान कहा जाता था उसके बाद में जो इसको राजपूताना नाम दिया गया ये दिया गया सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति के द्वारा तो ये थोड़ी एडिशनल नॉलेज थी जो आपको ध्यान रखनी है कि राजपूताना नाम जो दिया गया राजस्थान के क्षेत्र को ये दिया गया 1800 ईस्वी में और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के को जो नाम प्रदान किया गया था राजपूताना तो राजपूताना नाम को भी चेंज करके कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया था सन 1829 में किसने कर्नल जेम्स टोड ने अब हम देखते हैं कर्नल जेम्स टोड एड्रेस्ड हल्दीघाटी कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी को संबोधित किया है या हल्दीघाटी को नाम दिया है क्या नाम दिया मेवाड़ थर्मोपली कि मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से इसे संबोधित किया है हल्दीघाटी के युद्ध को और दिवेर एज मेवाड़ मैराथन और जो दिवेर नाम का क्षेत्र था राजपूत के पास में सॉरी राजसमंद के पास में तो दिवेर का जो क्षेत्र था उसे मेवाड़ के मैराथन के नाम से संबोधित किया है कर्नल जेम्स टोड ने तो इसी के साथ जो महाराणा प्रताप का जीवन काल है उनसे जुड़ी हुई विशेष बातें हैं वे समाप्त होती हैं अब मेवाड़ के क्षेत्र से निकल करके हम मारवाड़ के साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं और एक और सर्वश्रेष्ठ जो योद्धा कहे जा सकते हैं भारतीय इतिहास में या कहे जा सकते हैं कि मारवाड़ का दूसरा प्रताप भी उन्हें कहा जाता था तो उनके जीवन काल से रिलेटेड कुछ विशेष बातें हम इस वीडियो में पढ़ते हैं आगे इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं कि कौन से मारवाड़ के अन्य प्रसिद्ध शासक हैं जिनके बारे में हमको वर्णन पढ़ना है जिन्हें की
मारवाड़ का दूसरा प्रताप भी कहा जाता था या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी नहीं कहा जाता था। तो आइए पढ़ते हैं, और ये थे राव चंद्रसेन 1562 AD to 1581 AD। इनका जो शासन काल रहा 1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा। और ये कौन थे? तो ये राव मालदेव। अब राव मालदेव की बात करें तो 1544 में शेरशाह सूरी के विरुद्ध गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के भीतर, या जैसे जैतारण के पास का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है, जैतारण नाम का जो पाली में जगह स्थित है वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो उसमें जो शेरशाह सूरी थे वो विजयी हुए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मालदेव के खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की थी। तो राव मालदेव के ये सबसे छोटे पुत्र थे, राव चंद्रसेन के नाम से इन्हें जाना जाता था, और राव चंद्रसेन को मारवाड़ का दूसरा प्रताप भी कहा जाता है। अब प्रताप की संज्ञा दिए जाने के पीछे क्या कारण था या इनको प्रताप क्यों कहा गया, तो इसके पीछे रीजन ये था कि जिस प्रकार से मेवाड़ के क्षेत्र में महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, उसी प्रकार से राव चंद्रसेन भी थे जिन्होंने कि अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, इसी कारण से इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अब देखते हैं, राव चंद्रसेन वॉज बोर्न ऑन 16th जुलाई 1541 AD। अब जो ये राव चंद्रसेन थे इनका जन्म 16 जुलाई 1541 के दिन हुआ। आगे, he was the son of मालदेव एंड झाला रानी स्वरूप देवी। अब इनके बारे में आपको बताया गया कि जो इनके पिता थे, महान मारवाड़ साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक थे राव मालदेव, वो इनके पिता थे, और झाला रानी जो स्वरूप देवी थी वो इनकी माता थी। आगे, स्वरूप देवी had requested मालदेव to make चंद्रसेन the prince of मेवाड़। अब स्वरूप देवी जो थी उनके मन में एक बड़ी इच्छा थी कि जो राव चंद्रसेन है, जो उनका सबसे बेटा, सबसे छोटा बेटा था राव मालदेव का, तो उनकी एक इच्छा ये थी कि मेवाड़ का जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो राव चंद्रसेन को बनाया जाए। आगे, when मालदेव died, अब जब मालदेव की मृत्यु हो गई 1544 के भीतर, तो मालदेव की मृत्यु के बाद, जब मालदेव की मृत्यु हो गई, चंद्रसेन बिकेम द रूलर ऑफ मारवाड़ ऑन 31st दिसंबर 1562। तो 31 दिसंबर 1565 के दिन राव चंद्रसेन को मारवाड़ का शासक बनाया गया, या 31 दिसंबर 1565 के दिन जो राव चंद्रसेन थे वे मारवाड़ के शासक बने। तो यद्यपि he was the youngest of all his brothers। अब सबसे बड़ी विचित्र बात यह थी कि अक्सर राजपूतों में प्रथा थी कि जो परिवार का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था वही राजगद्दी का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वरूप देवी की इच्छा के अनुसार राव मालदेव ने चंद्रसेन को नियुक्त कर दिया मारवाड़ का शासक, और यही सबसे बड़ा विद्रोह का कारण बना, जिस वजह से सभी भाइयों में, यानी कि राव मालदेव के जितने भी पुत्र थे उन सभी में सबसे छोटा होने के बावजूद भी इन्हें मारवाड़ का शासक बनाया गया। और यही कारण था कि जो इनके बड़े भाई थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह करने के कारण अब जैसे ही बड़े भाइयों ने विद्रोह करा, तो जो छोटे भाई थे, सबसे छोटे भाई थे राव चंद्रसेन, उन्होंने, राव चंद्रसेन ने क्या किया कि राव चंद्रसेन ने इस चीज को ध्यान देते हुए और अपने भाइयों का विरोध देखते हुए प्रयास किया कि भाइयों को समझाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े भाइयों ने सोचा कि अब राव चंद्रसेन को, क्योंकि शक्ति के अंदर या योग्यता के हिसाब से देखा जाए तो राव चंद्रसेन ज्यादा ताकतवर थे और ज्यादा समझदार इंसान थे, ज्यादा कुशल योग्य शासक बनने लायक थे मारवाड़ के, तो इसलिए राव चंद्रसेन ने उन्हें समझाने का प्रयास करा, लेकिन जब बड़े भाई नहीं माने तो अंत में थका हार करके बड़े भाइयों ने अकबर के पास में शाही मदद मांगने की सोची। तो उसी के घटना के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं। तो थो ही वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, यानी कि वैसे तो जो राव चंद्रसेन थे सब भाइयों में सबसे छोटे थे, मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे। आगे, फॉर दिस रीजन, इसी कारण से बोथ द ब्रदर्स ऑफ चंद्रसेन, अब चंद्रसेन के जो दो बड़े भाई थे वो दोनों के दोनों, आगे, वर एनॉयड, इस बात से नाराज हो गए कि हमारा जो सबसे छोटा भाई था
वह तो मारवाड़ का शासक बन गया और हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। तो इस बात को देखकर के दोनों जो बड़े भाई थे इसके चंद्रसेन के वो नाराज हो गए। आगे द एल्डर ब्रदर राम, अब जो इनका सबसे बड़े भाई थे तो राम वेंट इन, अब एल्डर ब्रदर का मतलब जो सबसे बड़े भाई थे राम, वो अकबर के कोर्ट में चले गए, यानी कि अकबर के पास चले गए, अकबर की शरण में चले गए एंड रिक्वेस्टेड हिम फॉर रॉयल असिस्टेंस, और साथ में ही अकबर से आर्थिक मदद की उन्होंने गुजारिश की, आर्थिक मदद की उन्होंने प्रार्थना की। आगे एंड अकबर आज आल्सो वेटिंग फॉर दिस टू टेक प्लेस, और अकबर भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था, यानी कि एक बार सोच रहा था कि किस प्रकार से, क्योंकि उसने इतिहास पर जब गौर से ध्यान दिया तो उसने छेड़छाड़ सूरी वाली घटना को ध्यान में रखा था अकबर ने, के मारवाड़ का जो साम्राज्य वो कोई हल्का फुल्का साम्राज्य नहीं है जिसे कोई भी जीत ले, तो इसलिए जो अकबर है उसने बड़े गौर से ध्यान दिया इस बात को, और उन अकबर इस फिराक में भी था कि कैसे मारवाड़ के ऊपर हमला किया जाए। तो आगे शॉर्टली आफ्टर दिस, शीघ्र ही इसके बाद अकबर सेंट हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन कुली खान टुवर्ड्स जोधपुर। अब जब मालदेव के बड़े भाई राम ने जाकर के अकबर के सामने ये प्रार्थना करी कि भाई आप हमारी मदद कीजिए और मारवाड़ के शासन को हमें दिलवाइए राव चंद्रसेन से छीन करके, तो राम की मदद करने के लिए अकबर तैयार हो गया, और अकबर ने हुसैन कुली खान नाम का जो प्रधान सेनापति था उसके नेतृत्व में जोधपुर की ओर अपनी पूरी शाही सेना को रवाना कर दिया। तो इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था हुसैन कुली खान। अब वो चले गए हुसैन कुली खान के नेतृत्व में, इस पूरी शाही सेना ने राम की मदद करते हुए क्या किया कि हु ऑक्यूपाइड द जोधपुर फोर्ट इन मे 1564 एडी, और इस अकबर के हुसैन कुली खान नामक सेना के सेनापति के नेतृत्व में राम ने अकबर के ध्वज के अधीन रह करके या अकबर की सेना के साथ लड़ते हुए जोधपुर के किले के ऊपर कब्जा किया मई 1564 के भीतर। एंड चंद्रसेन, अब जब अकबर की सेना के विरुद्ध राव चंद्रसेन हारते हुए नजर आए तो उन्होंने सोचा कि महाराणा प्रताप ने जो नीति अपनाई थी कि कब्जे में नहीं आना, अकबरों की अधीनता को स्वीकार, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करना, मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करना, तो इसलिए जो राव चंद्रसेन थे वो जोधपुर से भाग गए एंड टुक रिफ्यूज इन भादरा जून जालोर, और उन्होंने जाकर के भादरा जून का जो किला था जालोर डिस्ट्रिक्ट के भीतर वहां जाकर के इन्होंने शरण प्राप्त की। तो यहाँ हमने देखा कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, उनको कहे जाने के पीछे कारण ये था कि जिस प्रकार से मार प्रताप ने ये नीति अपनाई थी कि अकबर की अधीनता को किसी भी हाल में नहीं स्वीकारना है, नहीं एक्सेप्ट करना है, उसी प्रकार से राव चंद्रसेन ने भी यही नीति अपनाई, और इसी कारण से इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है या राजस्थान का दूसरा प्रताप के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। राव मालदेव के ये पुत्र थे, झाला रानी जो स्वरूप देवी थी वो इनकी माँ थी, और ये मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे। 1562 में ये राजगद्दी पर बैठे और 1581 के भीतर इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ राम चंद्रसेन का जो शासनकाल है उससे संबंधित हमने रिलेटेड बातें यहाँ पर पढ़ी। अगले वीडियो के भीतर राव चंद्रसेन के जीवन काल से रिलेटेड और कुछ विशेष बातों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल राव चंद्रसेन की जीवनी से जुड़े हुए कुछ अन्य विशेष तथ्यों को पढ़ने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।